हेलो स्टारियन, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म के कुछ पार्ट को डिस्कस किया था। स्ट्रक्चरल आइसोमर को डिस्कस करते हुए हमने चेन, पोजीशन, फंक्शनल और रिंग चेन की बात कर ली थी। अब आगे आज मेटामेरिज्म को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का, या अगर हम और थोड़ा आसान आपको कर दें तो हम कह सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का विथ रिस्पेक्ट टू एल्किल पार्ट। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में आप एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हो। जैसे आप ईथर को एज्यूम करो, तो ईथर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोनों साइड में आप क्या जोड़ सकते हो? आर। तो एल्किल ग्रुप के रेफरेंस में यह कैसा हो गया? ये बाइवेलेंट हो गया। अच्छा, जरा अल्कोहल को सोचो। अल्कोहल में OH, तो OH ग्रुप है, कितने साइड में आप कार्बन की चेन जोड़ सकते हो? एक। तो मेटामेरिज्म शो करने के लिए जो इसेंशियल कंडीशन है वो है फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन की चेन आप जोड़ सको, बिल्कुल इस तरीके से कि बॉडी स्ट्रक्चर है और दोनों हाथ जुड़े हुए हों। फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया बॉडी स्ट्रक्चर, और इसमें जो दोनों हाथ हैं हमारे वो एल्किल पार्ट की तरह से। तो यहां पर मेटामेरिज्म में ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप केवल होंगे जिनके दोनों साइड में आप कार्बन की चेन ऐड कर सकते हैं, जैसे ईथर, कीटोन, एस्टर, एमीन, एनहाइड्राइड, एमाइड। ये वो कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें बोथ साइड में आप एल्किल पार्ट ऐड कर सकते हैं। अब अगर कहीं पर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड में एल्किल पार्ट की लेंथ आप बदल देते हो, तो इस वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है उसको मेटामेरिज्म कहते हैं। और थोड़ा क्लियर समझा जाए, जैसे हम एक मॉलिकुलर फार्मूला ले लें, C4H10O, C4H10O। दूसरे वीडियो में हम और एक्सप्लेन करेंगे आपको कि किस तरीके से मॉलिकुलर फार्मूले से आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से किस तरह से कोरिलेट करके आप फंक्शनल ग्रुप एज्यूम कर लेते हैं। जैसे अगर आपको बात याद आ रही हो क्लास की, तो आपको बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जीरो। अगर कहीं मॉलिकुलर फार्मूला है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और डीबी जीरो आ रहा है, तो आपको कौन कौन से दो फंक्शनल ग्रुप सोचने हैं? एल्कोहल और ईथर। और यहां पर हम ईथर की बात कर रहे हैं, तो अगर फोर कार्बन का हम ईथर सोचें, तो एक सिंपल बात हम सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन सेंटर, जैसे यहां ऑक्सीजन है, इसके इस साइड में दो कार्बन इथाइल, इस साइड में भी दो कार्बन, तो दोनों साइड में दो दो कार्बन। दूसरी बार जब स्ट्रक्चर बनाया तो ऑक्सीजन के इस साइड में थ्री कार्बन और इस साइड में एक कार्बन। अब ये दो कंपाउंड, इनके आईयूपीएसी नेम देखें, तो ईथर का आईयूपीएसी नेम याद करिए, क्या लिखते थे? एल्कॉक्सी एल्केन, ऑक्सी जोड़ते थे और एन जोड़ते थे। अगर अलग अलग साइज के होते थे तो छोटे वाले में ऑक्सी, बड़े वाले में एन, नन्हे को ऑक्सी, मुन्ने को एन, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन, क्योंकि दोनों की साइज सेम है, इथ इथ ऑक्सी और एन लगाया, तो ये हुआ इथॉक्सी इथेन। आइए नाम लिख लेते हैं, इथॉक्सी इथेन। दूसरे वाले का नाम इसी तरीके से बताइए। अब एक छोटा ग्रुप है, मिथ और प्रोप है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें आइसोमेरिज्म कौन सी, तो आप बताओगे कि चूंकि बाइवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू एल्किल पार्ट, जो कार्बन की लेंथ है वो चेंज कर रही है, इसलिए ये मेटामेरिज्म शो करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया मेटामेरिज्म का। ऐसे ही हम एग्जाम्पल बना सकते हैं कीटोन को लेकर के, पेंट टू ओन और पेंट थ्री ओन। देखने में फर्स्ट साइड लगता है कि पोजीशन आइसोमर है, लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक बात आपको याद करवाया था कि अगर कहीं पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म दोनों है तो आप किसको प्रिफर करोगे? निश्चित रूप से मेटामेरिज्म को। तो यहां पर सीओ के इस साइड में वन कार्बन और इस साइड में थ्री कार्बन,
तो पेंट टू ओन में जो कार्बन के पार्ट हैं, इस साइड में वन कार्बन का और इस साइड में थ्री कार्बन का, जबकि हम पेंट थ्री ओन लेते हैं तो सीओ के इस साइड में दो कार्बन, इस साइड में भी दो कार्बन, तो यहां पर भी सीओ के दोनों तरफ जो कार्बन की लेंथ है, जो उसकी हैंड्स हैं, उनकी साइज चेंज कर रही है, और कहीं अगर भुजाएं लेंथ साइड आपको बदली हुई दिखाई दे तो क्या बताएंगे आप, मेटामेरिज्म। तो ये भी एग्जांपल हो गया मेटामेरिज्म का। ऐसे ही आप एस्टर का एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे ही आप टू डिग्री एमीन्स का एग्जांपल ले सकते हैं, ये सब मेटामेरिज्म के एग्जांपल हो गए।